अब ये स्मार्टफोन को हमने जितना भी रगड़ के यूज किया है ना, हम इतना ही आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आपको इसमें लैग, जिटरनेस और कभी कभी कैमरा का जो शटर बटन है, देखिए पिछले 7 दिन से लगातार ये स्मार्टफोन को हम यूज कर रहे हैं, रियलमी का C53 को। अब अगर आपको डिटेल में जानना है ना कि C53 कैसा स्मार्टफोन है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको आंसर मिल जाता है तो हमको भी थोड़ा कुछ दीजिए, सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अच्छा लगता है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके कैमरे को लेके यहाँ पे बातचीत कर लेते है कि इसका जो कैमरा है ना 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर दिया गया। और ये स्मार्टफोन को बहुत सारे लोग इसलिए परचेज कर रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि भाई 10,000 रुपए में 108 मेगापिक्सल से फोटोज वगैरह बहुत ही तगड़ा निकाल सकते हैं, वीडियोस वगैरह बहुत ही तगड़ा निकाल सकते हैं। लेकिन बहुतों को ये नहीं पता कि एक बजट वाला स्मार्टफोन है, 108 मेगापिक्सल सेंसर तो इसमें दिया गया है, लेकिन कौन सा कंपनी का सेंसर दिया गया है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। 10,000 के हिसाब से आप ये मान के चलिए कि आपको एक नॉर्मल सेंसर दिया गया। अब ये चीज हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि Realme का जो C53 हमने परचेस किया था ना, वो हमने अपने दोस्त के लिए परचेस किया था। और पता है उसने ये स्मार्टफोन को क्यों चूज किया था? बस और बस 108 मेगापिक्सल का सेंसर देख के उसने ये स्मार्टफोन को बाय कर लिया। अब उसको ऐसा लगा कि पहले जो वो स्मार्टफोन यूज कर रहा था उसमें आपको 50 मेगापिक्सल का सेंसर दिया गया था, लेकिन इसमें 108 मेगापिक्सल दिया गया, तो चलो थोड़ा तो बेटर निकल के आएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, 108 मेगापिक्सल जस्ट नंबर है। मैंने बहुत सारे फोटोज वगैरह यहाँ पे क्लिक किया था, अच्छे से इसका कैमरा टेस्ट भी किया था, लेकिन जो फोटोज वगैरह यहाँ पे ओवरऑल निकल के आता है। सबसे पहले अगर हम नाइट के बारे में अगर बात करें तो आपको भर भर के नॉइज देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास लाइटिंग अच्छी है तो फोटोज और वीडियोस वगैरह आप यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का निकाल पाओगे। लेकिन जब आप फोटोज को जूम करो तो वहां पे भी आपको नॉइज देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है, शाम वगैरह में फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो तुम भर भर के नॉइज आपको देखने को मिलेगा, फोटोज वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डे लाइट में फोटोज वगैरह क्लिक करोगे, लाइटिंग अच्छी है और नजदीक से फोटोज क्लिक करोगे ना, तो वहां पे आपको डिटेलिंग भी अच्छी मिलेगी और जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत तगड़ा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपका काम जरूर चल जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि फोटो बहुत ही ज्यादा भद्दा आया है। 10,000 के हिसाब से अगर आप इसका कैमरा को जज करोगे ना, उस केस में आपको इसका कैमरा पसंद आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच के क्लिक करोगे फोटो की 108 मेगापिक्सल का सेंसर है, तब आपके दिल में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। और 8 मेगापिक्सल इसमें जो सेल्फी कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का है लेकिन काम जो है काफी अच्छा कर रहा है। रियर कैमरे के कंपैरिजन में हमको इसका फ्रंट कैमरा ज्यादा अच्छा लगा। वीडियोस के बारे में अगर बात करें तो रियर साइड से आप जो है 1080p 30fps तक जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, और फ्रंट कैमरा में मात्र जो है 720p का ही जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे लोग इसको इसलिए भी परचेस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो इसका बिल्ड इन डिजाइन दिया गया है ना, जो मोबाइल का जो लेंथ है, जो चौड़ाई है, तो अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करोगे दूर से, तो यहाँ पे आईफोन 14 प्रो मैक्स की तरह दिखता है। और अगर आपने गलती से यहाँ पे कवर लगा दिया और पीछे एप्पल यहाँ पे साट दिया ना, तो जो है बिल्कुल जो है आईफोन की तरह ही लगता है। मैंने कुछ रील्स वगैरह भी देखा था जहाँ पे लोग जो है स्टिकर वगैरह लगा के जो है इसको आईफोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जो बिल्ड है वो पूरा का पूरा प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, लेकिन हाँ आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करेगा कि चीप क्वालिटी वाला प्लास्टिक है। क्वालिटी इसकी अच्छी है, प्रीमियम तो लगता है। ड्यूल टोन वाला यहाँ पे डिजाइन दिया गया, ऊपर की तरफ जो पार्टीशन दिया गया है वो हल्का सा थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करता है, और वहाँ पे जो है फिंगरप्रिंट का निशान भी बहुत जल्दी आ जाता है। बाकी स्मार्टफोन में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, 3.5 का जैक मिल जाता है। स्पीकर की क्वालिटी हमको अच्छा लगा, बहुत ज्यादा बेमिसाल नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा कम भी नहीं। परफॉर्मेंस को भी लेके थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते थे कि 10,000 रुपए के हिसाब से अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखते हो तो आपको निराश नहीं करेगा। डे टू डे वाले जितना भी तेरा काम धंधा होता है, रील्स वगैरह चलाना या फिर व्हाट्सएप चलाना, फोन पे वगैरह यूज करना, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो। प्रोसेसर इसमें जो यूज किया गया वो आपको ऑक्टा कोर वाला प्रोसेसर है, शायद यहाँ पे T616 वाला यहाँ पे प्रोसेसर यूज किया गया है, और इसमें आपको LPDDR4X वाला रैम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये स्मार्टफोन को हमने जितना भी रगड़ के यूज किया है ना, हम इतना ही आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि आपको इसमें लैग, जिटरनेस और कभी कभी कैमरा का जो शटर बटन है उसमें आपको इशू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपके साथ ऐसा खेला होता है तो यहाँ पे ज्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो UI दिया गया है ना, वो आपका Realme का T एडिशन वाला यहाँ पे UI यूज किया गया, जो कि लाइटर वर्जन है और Android 13 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। अब इसका जो UI है ना, वो उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं, थोड़ा सा और बेटर इसका UI हो सकता था। तो UI के कारण ही जो है आपको कहीं कहीं पे जो है फ्रेम वगैरह ड्रॉप वगैरह देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें मैंने बहुत सारे गेम्स वगैरह भी प्ले किए थे, पबजी वगैरह आप जो है HD क्वालिटी में यहाँ पे खेल पाओगे, और जो है थोड़ा बहुत जान ही रहो लैग वगैरह आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी एक बहुत ही अच्छी चीज हमको ये स्मार्टफोन का ये लगा कि इसमें आपको हीटिंग इशू जो है ना के बराबर देखने को मिलेगा। फिर चाहे आप स्क्रॉलिंग कीजिए, ब्राउजिंग कीजिए, या स्मार्टफोन को जब चार्ज कीजिए या फिर गेम वगैरह कीजिए, तो आपको उतना ज्यादा हीट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो हीटिंग इशू इसमें ना के बराबर दिया गया। बाकी 10,000 रुपए के हिसाब से अगर इसके परफॉर्मेंस को यहाँ पे हम रेट करना चाहें, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हाँ भैया आपका
थोड़ा बहुत काम धंधा चला देगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन चाहिए तो मोटोरोला का भी रिसेंटली एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, मोटोरोला का G32। वो भी जो स्मार्टफोन है ना बहुत ही तगड़ा स्मार्टफोन है, 10,000 रुपए या 10,500 रुपए में आपको देखने को मिल जाता है। और उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 680 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही तगड़ी बात है उस प्राइस रेंज में। तो डिस्प्ले में यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया गया है, 6.67 इंचेस का HD+ वाला यहाँ पे डिस्प्ले दिया गया, यानी कि 720p वाला ही यहाँ पे रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले दिया गया, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। YouTube पे जो है 1080p तक का जो है वीडियोस वगैरह देख पाओगे। डिस्प्ले में जो कलर वगैरह निकल के देगा ना वो आपको यहाँ पे निराश नहीं करेगा। बस यहाँ पे HD+ या डिस्प्ले दिया गया, बस वही एक छोटी सी कमी दी गई, फुल HD होना चाहिए। आज के टाइम में 10,000 का ही स्मार्टफोन क्यों ना हो, 720p वाला डिस्प्ले देना थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बातचीत तो हो जाती है। बाकी इसमें आपको 90Hz का यहाँ पे रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन जब ये स्मार्टफोन को हमने यूज किया ना भाई लंबे समय तक, तो यहाँ पे 90Hz वाला फीलिंग हमको नहीं मिला। हाँ थोड़ा बहुत जो है स्क्रॉलिंग वगैरह हल्का बहुत स्मूथ हमको देखने को मिला, लेकिन एक होता ना कि एक्सपीरियंस एकदम मजा टाइप आ रहा है वैसा हमको देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि इसका जो UI है ना उसी के कारण जो है यहाँ पे इसमें खेला हो रहा है। तो अगर आपको UI से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत है, या आपने कभी मोटोरोला का स्मार्टफोन यूज किया है कम दाम वाला, या फिर रेडमी का या फिर पोको का, तो इसका जो UI है वो आपको जरूर से जो है स्लो फील करा सकता है। देखिए ये चीज हम आपको बार बार क्यों बता रहे हैं, ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए लगाइए या फिर 15,000 रुपए लगाइए या फिर 20,000 रुपए लगाइए, मेहनत का पैसा है ना जी, समझ रहे ना, समझ रहे हैं। सब्सक्राइब करके हमको भी समझाइए कर दीजिए, अरे करिए ना। कनेक्टिविटी को भी लेके यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये जो स्मार्टफोन है ये 4G वाला स्मार्टफोन है, 5G वाला स्मार्टफोन नहीं है। तो 4G नेटवर्क पे जितना भी हमने यहाँ पे इंटरनेट यूज किया, इंटरनेट तो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था, कहीं पे भी हमको कोई भी तरह का इश्यू देखने को नहीं मिला। इवन जो हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉल वगैरह भी किया था, तो कॉल ड्रॉप या कॉल फंसना ऐसा कोई भी तरह का हमको प्रॉब्लम इसमें देखने को नहीं मिला। और हाँ इसमें हमने वाईफाई भी यूज किया था, तो वाईफाई में भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर जा रहा था। बहुतों का ये भी सवाल होगा कि भैया आज के टाइम में 2024 में क्या 4G डिवाइस लेना अच्छा रहेगा। देखिए अगर आपको 5G से कोई मतलब नहीं है, 5G अगर आपको यूज नहीं करना है, वैसे भी 5G का जो प्राइसिंग है वो थोड़ा ज्यादा ही है, तो 4G भी आप ले सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5G आ गया है तो 4G वाला स्मार्टफोन बंद हो जाएगा। 4G वाला स्मार्टफोन अगर आप लेते हो अच्छा डील में मिल जाता है, तो आराम से भैया 2-3 साल चलाइए ना, 4G कुछ नहीं होने वाला है। बाकी इसमें आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट दिया गया जिसकी स्पीड हमको अच्छी लगी, ब्लूटूथ 5.0 के साथ आता है, ड्यूल सिम लगा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको SD कार्ड लगाने का भी जगह दिया गया, 3.5 का जैक भी दिया गया है, और जितने भी तरीके सेंसर होते हैं वो सारे सेंसर मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आपको जो जायरो सेंसर होता है वो भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सीधी बात नो बकवास की, भाई ये जो Realme का C53 है 10,000 रुपए के हिसाब से 6GB 128GB जो वेरिएंट है वो कितना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और किन यूजर के लिए ये स्मार्टफोन हो सकता है। तो देखिए अगर आपके लिए थोड़ा सा भी जो परफॉर्मेंस मैटर करता है ना, तो Realme का C53 मत लीजिए, कहे कि यहाँ पे आपको इश्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको अपने मम्मी पापा को गिफ्ट देना है कि वो लोग ज्यादा स्मार्टफोन को छेड़खानी नहीं ना करते हैं, तो उनके लिए आप ये 4G वाला स्मार्टफोन ले सकते हो। तो अगर आपको लेना है जिसमें आपको बेटर UI भी मिल जाए, परफॉर्मेंस भी आपको इससे ज्यादा बेटर देखने को मिल जाए, थोड़ा बहुत कैमरा भी अच्छा मिल जाए, तो यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया कि मोटोरोला का जो G32 है वो ज्यादा बेटर डील आप लोगों के लिए होगा। बाकी ये जो स्मार्टफोन है C53, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप ही लोग के लिए वीडियो बनाते हैं और किसके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें।